अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, शेफ़ मुनीर यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है तमाम दोस्त साथी खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बताएंगे खोया बनाने का तरीक़ाकार, जो कि बाज़ार से बहुत ही अच्छा और कई गुना अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे हमने 5 किलो दूध लिया है, फुल फैट दूध है, ये डब्बे वाला दूध नहीं है, फुल फैट दूध है। इसको हम उबाल कराएँगे, तो याद रहे कि चम्मच आपने मुसलसल चलाना है, तो हाथ आपने बिल्कुल नहीं रोकना जब तक इसको उबाल ना आ जाए। आपने इसको मुसलसल चलाते जाना है, हाई फ्लेम पे आपने इसको उबाल कराना है। और जब आपका दूध उबलना शुरू हो जाए तो आपने इसका टेम्परेचर थोड़ा स्लो कर लेना है और मीडियम टू लो फ्लेम कर लेना है, इसको चलाते जाना है। चंद ही मिनटों में इंशाल्लाह खोया जो है वो आपका बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आपने हमें अपनी राय से आगाह ज़रूर करना है, लाइक और सब्सक्राइब करना है, और आपने हमें बताना है कि आप हमें कहां कहां से देख रहे हैं, हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताना भी है आपने। तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका कार, माशाल्लाह दूध हमारा काफ़ी हद तक जो है वो तैयार हो गया है। इसकी मेन वजह और ख़ास वजह यही है कि आपने जब भी खोया बनाना है, आप घर पे बनाएं या कमर्शियल लेवल पे बनाएं, तो खोया हमेशा इसमें चम्मच जो है मुसलसल आपने चलाना है। और 4 से 5 अदद हमने इसमें इलायची के दाने शामिल कर दिए, खोया बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो माशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया हमारा दूध, जितना ये पकता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा, वैसा ही खोया बनता जाएगा। इसमें कोई चीज़ हमने शामिल नहीं की, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा और ज़बरदस्त और बाज़ार से कई गुना अच्छा जो है वो खोया हमने रेडी कर दिया है। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी और अपनी राय से आगाह भी हमें ज़रूर करें, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। इसी तरीके से मुसलसल इसको चलाते जाएँगे, 2 से 4 मिनट और चलाएँगे ताकि ये और थोड़ा खुशक हो जाए, तो इसका थोड़ा सा दाना बन जाएगा, तो खोया हमारा माशाल्लाह फिर रेडी हो जाएगा। आपने इसको मुसलसल चलाते जाना है, अब मज़ीद 2 से 4 मिनट और चलाएं तो माशाल्लाह ये खोया हमारा रेडी हो जाएगा। जैसे जैसे ये गाढ़ा होता जाएगा, आपने थोड़ा थोड़ा जो चूल्हे का टेम्परेचर है वो भी कम करते जाना है। जी तो व्यूअर्स, खोया जो है माशाल्लाह वो हमारा देखिए काफ़ी हद तक रेडी हो गया है। तो अब हम खोए को जो है एक डिश के अंदर आउट कर देंगे, इसको डिश में निकाल देंगे। खोया हमारा रेडी हो गया, बिल्कुल इसी तरीके से आपने बनाना खोया, बिल्कुल ज़्यादा खुशक नहीं करना वरना वो ज़्यादा सख्त हो जाएगा। तो खोया हमने डिश में निकाल दिया है। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।